अस्थमा लंग्स की सूजन है जिसमें लंग्स में स्पैज़म या बंद होने के वजह से और सूजन के वजह से ज़्यादा बलगम बढ़ने के वजह से तकलीफ होती है। जिन लोगों को एस्थमा है, जिसको हम कहते हैं एग्जैसरबेशन, एकदम अटैक हो जाता है जिसमें सडनली छाती में बहुत टाइटनेस लगती है, बिल्कुल सांस नहीं आती है, एक्स्ट्रा इन्हेलर यूज़ करना पड़ता है, ऐसे लगता है कि बिल्कुल सांस नहीं आ रही, छाती आपकी बंद हो गई है, खांसी, बलगम, कभी अगर ये इन्फेक्शन की वजह से है तो हो सकता है उसके साथ बुखार आ रहा है, बलगम पीले रंग की आ रही है, हरे रंग की आ रही है। सो डिपेंड करता है कि एस्थमा का अटैक किस वजह से आया है। अगर फुल एलर्जी की वजह से आया है कि कोई इन्फेक्शन है जिसने आपको एस्थमा के अटैक में डाल दिया है, तो उन चीज़ों को भी ट्रीट करना है और जो एस्थमा का अटैक है उसको भी अग्रेसिवली ट्रीट करना है। पहली चीज़, आपको पता होना चाहिए कि आपको दमा है। अगर आपने ये कन्फर्म कर चुके हैं कि आपको दमा है, देन आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए किन चीज़ों से आपको एलर्जी है, जिससे आपको बचना चाहिए कि आपका दमा एग्जैसरबेशन या अक्यूट अटैक में ना जाए। किसी कारण से अगर आपका अटैक आता है, आपके पास, जिस जैसे मैंने कहा, रेस्क्यू इन्हेलर हमेशा साथ में होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे 2 से 4 पफ ले सकते हैं जिससे आपको इमीडिएट रिलीफ होगी। अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास इन्हेलर नहीं है, जहाँ पे पास से पास आप जा सकें और नेबुलाइज़र ले सकें, वो करना ज़रूरी है। दिल्ली में हवा ऐसी है जिसकी वजह से जिन लोगों को पहले नहीं थी, अब हो गई है। जिन चीज़ों से आप बच के रह सकते हैं, मास्क लगा के रह सकते हैं, जहाँ पे धूल मिट्टी उड़ रही हो ज़्यादा हवा में, वहाँ पे उन जगहों से बच के रहना। ऐसा नहीं होता कि आगे जाके चांस होता है कि नहीं। अगर आपको एलर्जी है तो आपको मोस्ट लाइकली सारी ज़िंदगी उन चीज़ों से एलर्जी या सेंसिटिविटी रहेगी। बेस्ट वे ऑफ कंट्रोल इज़ कि आप दवाइयाँ अच्छे से, सही टाइम पे, सही तरीके से लें, क्योंकि दमा एक तकलीफ़ है, लंग्स की प्रॉब्लम ऐसी तकलीफ़ है जिसमें इन्हेलर सबसे काम आते हैं और इन्हेलर यूज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ़ द पेशेंट्स को इन्हेलर यूज़ नहीं करना आता। जब आप नहीं यूज़ कर पाते, आपको उतना आराम नहीं आता, जिस वजह से आपको लगता है कि ये दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। तो बहुत ज़रूरी है, आप जिनके पास जाते हैं उनके पास अपना इन्हेलर लेके जाइए, उनके सामने यूज़ करके दिखाइए कि आप कैसे करते हैं। जब आप डॉक्टर के सामने इन्हेलर यूज़ करेंगे, वो आपको सही तरीका बता सकते हैं। इन्हेलर यूज़ करते हैं तो उसके साथ स्पेसर आता है, वो यूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि आपसे यूज़ नहीं होता, कोऑर्डिनेशन में तकलीफ़ है, दूसरे तरीके आते हैं जिसके द्वारा दवाई दी जा सकती है, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती। पर दवाइयाँ टाइम पे लेना, सही तरीके से लेना सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप बिना इनके कंट्रोल में नहीं रह सकते। कंट्रोल में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेप डाउन करके यू कैन बी ऑन मिनिमल ट्रीटमेंट्स एंड हैव अ नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ।